ये आप देख रहे हैं, ये ई श्रम पर अपना वर्तमान पता अपडेट करने के लिए CSE या ishram.gov.in पर जाएं तो आप इसे अपने मोबाइल से ही अपडेट कर सकते हैं। ये SMS हर किसी के पास में आया है, अपना एड्रेस जरूर अपडेट कर लें और अपडेट आपका सही है फिर भी अपना एड्रेस जरूर चेक कर लें। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत सरल तरीके से आपके मोबाइल पर बताऊँगा। फ्रेंड्स, अब चलते हैं हम क्रोम ब्राउज़र में ये लिंक पेस्ट करनी है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वहाँ से कॉपी करके इसे यहाँ पे पेस्ट कर दें और सर्च कर दें। ये ई श्रम की साइट खुल के अब यहाँ पे वो नंबर डालना जिससे आपने ई श्रम कार्ड बनवाया था और ये कैप्चा फिर कर दें इसमें। अब इसमें सेंड OTP पे क्लिक करना है हमें। अब वो OTP जाएगा इस नंबर पे। ई श्रम कार्ड को आप खुद ही घर पे ही अपडेट कर सकते हैं। देखिए OTP आ चुका है, सबमिट पे क्लिक कर देना हमें। अब इसमें आधार नंबर डालना है, अपना आधार नंबर डाल दें इसमें। अब फिंगरप्रिंट, आयरिस, OTP, हमें OTP के माध्यम से ये करना है कंप्लीट। तो OTP पे क्लिक करके ये कैप्चा फिल कर देना इसमें। सबमिट पे फिर क्लिक कर देना हमें। अब OTP आएगा जो 2730 लास्ट डिजिट शो कर रहा है, ये आधार लिंकेड नंबर है। आधार पर लिंक नंबर होगा उस पर आपका OTP आएगा। देखो OTP आ चुका है। और वैलिडिटी पर क्लिक कर देते हैं। देखिए जी, आपके ई श्रम कार्ड का डाटा जी खुल के आ चुका है। अब हमें आई एग्री टू डेट इस पर क्लिक कर देना है और अपडेट की KYC पर क्लिक करते हुए ये पेज खुल गया। अब इस पर अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करना है हमें। इस पर एड्रेस अपडेट होगा, इसमें एड्रेस का ये ऑप्शन दूसरे नंबर पर शो कर रहा है, इसी पर क्लिक करना है। यही हमें चेंज करना है, अपडेट करना है, यानी कि यस पे क्लिक करते हैं यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं आपके सामने ये पूरा डाटा खुल के आ चुका है आपके एड्रेस का। तो आप रूरल एरिया में कहाँ पर हैं ये सब कुछ शो कर रहा है इसमें। इसमें कहीं पर भी आपको यदि मिस्टेक दिखाई दे रही है उसे आप अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद में आपको नीचे ये अपडेट का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर क्लिक कर देना है। आपका ई श्रम कार्ड अपडेट हो चुका है। देखने के लिए बैक पर क्लिक करें, डाउनलोड UN कार्ड पर क्लिक करना है हमें। जो आपने अपडेट दिया होगा वो यहाँ पर तुरंत शो करेगा।